पुदीना बड़ा मजेदार, ओहो पुदीना बड़ा मजेदार। कुछ भी, हमको टमाटर पसंद नहीं है यार, हम पुदीना ही खाएंगे, हमको पुदीने की चटनी अच्छी लगती है। देखो मैं रो नहीं रहा हूँ। खैर गाइस, बाढ़ में जाए पुदीना और टमाटर, हम तो आपको एंटरटेन करेंगे अपना गेम प्ले दिखाकर, राइमिंग सुनाकर, फनी फनी बातें बताकर। परंपरा के अनुसार फिर एक बार पूछ लेते हैं आपसे, कैसे हो बच्चा लोग, आ गए चच्चा लोग, अब देखो कैसे मचाते हैं तबाही। और साथ में खेल रहे हमारे आई चैन एंड पोलेक्स सागर भाई, नंबर 4 कौन है ये बात हमको किसी ने नहीं बताई, और हमको अभी तक गन भी नहीं मिल पाई, इसलिए हम आ गए हैं। कहीं नहीं आए हम, भाई नहीं इधर, हम तो है नहीं इस बिल्डिंग में, इसकी माँ का भाई, चारों तरफ बंदे कैसे आ गए भाई, हर फ्लोर से बंदों की आवाज आ रही है, इधर तो गन नहीं मिल पाई, टावर से भी किसी के पैरों की आवाज आई, अब कैसे मचाएंगे तबाही। एक आइडिया है भाई, सामने वाली पेटी में गन मिल जाती है, लेकिन ये पेटी खुलने में टाइम लेती है, इतनी देर में कोई ले लेना हमारी जान, इसलिए हमको रहना होगा थोड़ा सावधान। चलो गन निकल आई और ऑग निकली है गाइस, यस, अब देखो कैसे ऑग लगा देंगे। हेलमेट वेस्ट भी मिल गया, अब कोई नहीं है, टेंशन बताओ किधर है दुश्मन, अभी तोड़ते हैं उसकी गर्दन। सामने दरवाजे के पीछे से कुछ आवाज आ रही है, इधर ये रहा, बच गया साला। यार गाइज ऐसे ही पिछले एक महीने से मेरे स्प्रे मिस हो रहे हैं, और इसकी वजह थी गाइज एम असिस्ट वाला फीचर, जो कि एक महीने पहले हम लाइव स्ट्रीम कर रहे थे, तब हमने ऑफ किया था TDM में, और वो एक महीने से ऑफ ही है, खाओ मां कसम, मतलब इस गेम प्ले में भी ऑफ है। और अच्छा हुआ ऑफ था, वरना इधर पे नॉक वाले बंदे पे स्प्रे ट्रांसफर हो जाता। फिलहाल अभी कुछ लोग कहेंगे चाचा हमारा तो पिछले 5 सालों से ऑफ है, हमने तो कभी एम असिस्ट ऑन करके नहीं खेला। तो मेरे भाई मैं आप जितना इंटेलिजेंट नहीं था, मुझे शुरुआत में पता ही नहीं था ये सब चीजें होती क्या है, मैं गरीब आदमी था, ऐसे ही खेलता रहता था। फिर हमारे सब्सक्राइबर्स ने कहा आप एम असिस्ट ऑन करके खेलते हो, तब हमने यूट्यूब पे सर्च किया, और तब पता चला कि इधर एक बंदा है। नहीं नहीं, बंदे का पता YouTube पे नहीं चला, इसके तो फुट स्टेप आ रहे थे, फुट मार्क आ रहे थे बनके मैप पे। हम कह रहे थे हमको YouTube से पता चला कि एम असिस्ट क्या होता है, और कैसे ऑफ रख के उस पे प्रैक्टिस करो तो ज्यादा अच्छे अच्छे शॉट चपकते हैं, तो हमने ऑफ किया। और वैसे भी एम असिस्ट केवल और केवल विदाउट स्कोप ऑन किए जब आप सामने से जिगल करके मारते हो तब काम आता है, स्कोप ऑन करने के बाद कोई मैटर ही नहीं, और 150 मीटर से ज्यादा की दूरी पे भी शायद काम नहीं करता, ऐसा सुना है हमने। तो जो लोग मिड रेंज फाइट लेते हैं तो उनको चाहे ऑन हो चाहे ऑफ हो उनसे फर्क नहीं पड़ता, जो क्लोज रेंज फाइट लेते हैं उनको फर्क पड़ना चाहिए। और अब हम जा रहे हैं क्लोज रेंज फाइट लेने, और हमारा एम असिस्ट ऑफ है, और ये लाइव वाले वही बंदे हैं, इन्होंने हमारी पूरी टीम खा ली गए, जर हम नीचे ही बातें करते रह गए और इन लोगों ने पूरी टीम खा ली। और अब तो आपको पता ही है क्या होगा, चच्चा की टीम पे होता है हमला, तो चच्चा लेते हैं चुन चुन के बदला, अब जितने भी एनिमी दिखेंगे सबका बजेगा एक लाइन से तबला। चैंपियन तो मेरा माइक वाइक कैसे ऑन नहीं, वही क्या सीन है, प्रयोग करके रहे हो तुम लोग, मेरे को समझ नहीं आ रहा। अरे भैया माइक तो ऑन है लेकिन बंदों की पैरों की आवाज सुन के बोलती बंद हो गई है, तुम ही बताओ जब चार चार बंदों के पैरों के आवाज आएंगे तो हम गाना थोड़ी गाएंगे, किस तरफ बंदे कैंप कर रहे हैं पता लगाएंगे और एंगल बनाएंगे और इसकी मामा की शादी करवाएंगे। भाई ये लाइव वाला बंदा ये मेरे को मार गया, भाई इसके हाथों नहीं मरना, बचा लो मुझे बचा लो, ए ऊपर नहीं आना साले, हट हट हट, कोई नहीं मार पाएगा मुझे, मैं अमर हूँ गाइस, मैं भाग जाऊंगा। नीचे आईचैन कौन है, आईचैन आईचैन चलो चलो कोने में चलते, रिवाइव करते हैं चल के, दूर चलो दूर। अरे आईचैन पीछे तो देखो, पीछे देखो, पीछे मार दिया, बहुत तकलीफ होती है। अब गाइस जो लाइव वाले बंदों से बदला लेने हम वापस उस पानी वाली जगह पे जाने ही वाले थे, लेकिन ये देखो उन्हीं लोगों से जाके हमारे ये टीममेट भी मर गए। चाचा को बुलाओ, ऐसा ऐसा बोल रहा है, वो नहीं मारूंगा ऐसा ऐसा कह रहा है। बोलने तो सब साजिश है उनकी, सब प्लानिंग है भाई, अभी जब मुक्के से फिनिश कर रहे थे तब नहीं याद आया चाचा से मिलना है, अभी याद आ रहा है, सब समझते हैं हम बेटे। इन लोगों पे कभी यकीन नहीं करना गाइस, चाहे फीमेल बेस्ट फ्रेंड बोले कि तुम्हारी बंदी पटवा दूंगी, चाहे तुम्हारी एक्स गर्लफ्रेंड बोले एक और बार बाबू वापस आ जाओ इस बार नहीं काटूंगी, या एनिमी बोले रिवाइव ले नहीं मारेंगे, ठीक है समझ गया। अब उन लाइव स्ट्रीमर्स से तो बाद में लेंगे रिवेंज, सबसे बड़ा खड़ा है सामने ये चैलेंज के इन लोगों के नीचे आने से पहले मुझे इस बॉट को मारना पड़ेगा। अब गाइज वैसे तो बॉट मारने जैसी हरकतें किसी भी प्रो प्लेयर को शोभा नहीं देती हैं, लेकिन शोभा जी का पता चला कि वो अपने पति के अलावा और किसी को नहीं देती हैं, अपने हाथों की बना के चाय, मतलब अपने हाथों की चाय बना के वो किसी को नहीं देती हैं, अपने पति देव के लिए बनाती हैं सिर्फ चाय। खैर गाइज ये सब बातें बाद में करेंगे, पहले देखो अपार्टमेंट हम चेक करके आए, वहाँ कोई बंदा नहीं है, और पानी वाले इवेंट पे जाने से फायदा नहीं क्योंकि वहाँ पानी भर गया, पानी वाले इवेंट पे पानी भर गया और क्या दूध भरेगा। अरे गाइज बंदे रिकॉल हो रहे हैं, अब पता चल गया कहाँ फाइट लेनी है, अब देखो 2-2 चच्चा और आईचैन कैसे बजाएंगे बंदों की बैंड। अरे मेरे बेटा काय बन रहे थे नेता, इतनी जल्दी चच्चा के सामने आओगे तो पड़ जाएगा ना चबेटा, अब हमें बनने दो चैंप। ऐसा लग रहा सीढ़ियों से मार रहा पर हमें तो लग नहीं रही। अरे आई चैन को मार,
के सागर भाई ने हमें बचा लिया, ऐसा उनको लग रहा है, पर उन्होंने किल चोरी किया यार। इन ऑटो रिवाइव वालों को पहले निपटाएंगे, नहीं तो ये साले रिवाइव हो जाएंगे और किसी और को दे के आ जाएंगे। अब किल किल गाइस, किल किसी और को दे के आ जाएंगे। अबे ये स्मोक कैसे आ रहा है हाथ में यार? गाइस दो तीन दिन से हम देख रहे हैं, मॉली वॉली फेंकना चाह रहे हो तो स्मोक आ जाता है हाथ में। गाइस बंदा तो गया अंदर, लेकिन हमने मॉली मारी जिधर बंदा नहीं है उधर, और ये हमने एक बॉट मारा। ऐसा हेटर लोग बोलेंगे, आप लोग अगर हमसे प्यार करते हो तो आपको पता है हमने रियल बंदा मारा। ये बाहर हैं घर के, बाहर क्या कर रहे हैं, उनसे बोलो अंदर मौली अंदर जाओ। अरे ओए ओए कूद मत मौली, ये यार ले लेगा किल मेरा। अबे ले भाई, ले लिया तूने टुनटुन मौसी का किल। मौली तेरी जाती नहीं, वो गाड़ी के अंदर बैठा था। बैठा था नहीं, बैठी थी मौसी जी थी। मौसी खैर गाइस हमारे मजाक मजाक में यहाँ पे 9 किल हो जाते हैं। आई चैन जी शहीद हो गई, उनसे हम थोड़ा सा अफसोस जताते हैं और उनको एक इमोट करके दिखाते हैं, और ये वाला इमोट करके हम उनको बहुत चिढ़ाते हैं। पर यार बंदे तो आने वाले नहीं होते हैं, इसलिए हम लोग बंदों की तलाश में आगे निकल जाते हैं। और हमारे 3 नंबर भाई हमको बताते हैं कि उनको कहीं पे बंदे नजर आते हैं, और हम लोग क्या करते हैं, सीधा वहीं पे घुसे चले जाते हैं, क्योंकि अब हम वो गुड्डू पंडित नहीं रहे जो बंदे देख के डर जाते हैं, कहीं पे जाके कैंप लगाते हैं। अब हम ऑफ करके खेलते हैं भाई। गाइस एक बंदे का साउंड इसी वाले घर से आ रहा, दूसरा सामने वाले घर में MG3 चला रहा, तीसरा कोई बगल वाले घर में भी अपनी ऐसी की तैसी करा रहा। अब पहले किसको जाए मारा हमको था समझ में नहीं आ रहा, तो हमने इस वाले घर में मौली कर दी, क्योंकि हमारा जिया था घबरा रहा कहीं हमारे ऊपर ना कूद जाए। फिर हमें बगल वाले कमरे में भी मौली कर दी, कहीं वो ना हमारे ऊपर कूद जाए। तब तक नंबर 4 के चिल्लाने की आवाज आई कि बचाओ भाई बचाओ भाई, सामने वाले बंदे के पास MG3 है। आई सेड डोंट वरी बच्चा, चैंपियन है तारे चच्चा, कोई भी हो गन ऐसा ही थोड़ी बोलते हैं, चच्चा को चैंपियन है ना, है ना तेरी मामा। अरे भाई बहुत डैमेज है, अरे गजब पॉल भाई, अरे क्या नाइस नाइस मारा। अब मैंने ही बताओ 1 HP किया था उसको। ले 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 ले, सुना क्या? अब गाइस हमारे अलावा 8 और बंदा बचे हैं जिंदा, 10 किल हो गए हैं, और अच्छा लगेगा अगर हो जाएंगे 15, लेकिन आपको क्या ही मतलब किल से, क्योंकि आप किल देख के थोड़ी दिल देख के सब्सक्राइब किए होंगे। फिलहाल हम इधर MG3 उठा लेते हैं यार, होके परिंदे पे सवार करने चले जाते हैं एक और बार 1v4। और स्क्वाड हाउस पे कुछ नकारा नामर्द नपुंसक नल्ले चला रहे थे एक दूसरे पे हथियार, हमने कहा चलो बरसा दे इन पे अपना प्यार। एक स्प्रे में 2 बंदे ढेर हो जाते हैं, तीसरे भाई साहब की भी हम बहुत ज्यादा वाट लगाते हैं, लेकिन ये पता नहीं कैसे बच जाते हैं, इनका पीछा करते हैं ये ऊपर पहुंच जाते हैं। पर MG3 रीलोड पे आ गई थी, और M4 पे क्लोज फाइट में ज्यादा भरोसा नहीं है, सामने वाले के पास अगर शॉटगन हुई तो हमारी ले लेगा बहुत ज्यादा बुरी तरीके से लूट। और वैसे भी अपना एक ही उसूल है, बाकी सब बातें फिजूल है, कि जब काम बन जाए मौली से तो काय काम चलाओ गोली से। और सबसे पहले हमने नेड मौली सब कर दिया, कुछ नहीं हुआ, तो जब नेड और मौली हो जाए फेल तो काय फालतू में हमारी राइमिंग रहे हो जेल, गोली से देते हैं ना चल के पेल। खैर हमने नीचे चेक किया कहीं नीचे तो नहीं है, फिर फ्री फायर देके पीछे चेक किया कहीं पीछे तो नहीं है, अभी बंदा ना नीचे था ना पीछे, हम समझ गए किधर होगा, घुस जाते हैं आंखें नीचे और ये देख पड़ा था नीचे, और इसका किल भी हमको आ गया, मतलब हम ही ने इसको 1 HP किया था, एनिमी ने एक गोली मार के चोरी कर लिया था और हमने वापस से चोरी कर लिया, अपना किल अपने ही पास आ गया। अब 3 किल आ चुके थे, चौथा बंदा बचा था जिंदा, हमने कहा पॉल भाई मत मारो मत मारो, लेकिन पॉल भाई ने कर दिया हमको शर्मिंदा यार, 1v4 नहीं करने देता ये बंदा। और गाइस एक एनिमी हमारे अलावा केवल बचा हुआ है अलाइव, और पता नहीं ये कैसे कर गया इतनी देर सरवाइव, इसको गाइस हमने पूरे मैप में ढूंढा, मतलब हमारे साथ हर रोज यही हो रहा है, आखिरी एक एनिमी पता नहीं कैसे कैंप कर जाता है, मतलब इस चमगादड़ पे बैठकर पुचिंकी का एक एक घर पूरा रिज पूरा कवर हर एक कोना चेक कर मारा, लेकिन ये बंदा नहीं मिला गाइस। मतलब टाइम पास के लिए हम इसको फायरिंग भी करके दे रहे थे, वो भी गाने की धुन के रूप में फायरिंग करके, दम दम जैसे ही 10 मिनट बर्बाद करने के बाद आता है एक साउंड, मिल गया ये रहा, इसके अंदर है, इसके नीचे है चैंपियन गुफा के नीचे। okay. और अब देखो आप सबसे जहरीली प्रजाति का सांप जो कि गुफाओं में पाया जाता है और लेटा हुआ रहता है, है ये तो नाजिन था है, तुमने जेंडर भी देख लिया क्या? खैर गाइस 14 ही किल हो पाए, लेकिन आपको किल से क्या मतलब, आपको तो दिल से मतलब, शायरी वाली महफिल से मतलब, इसलिए जाते जाते परंपरा के अनुसार जाते जाते एक और शायरी आपके सामने पेश है। बोल बोल। तो अर्ज किया है, तेरे सामने तो रेड हो या ग्रीन फ्लैग कलर छोड़ जाएगा, आधे रस्ते से लॉयल लौंडा भी मुंह मोड़ जाएगा, जितना तू बक बक करती है मेरी बेस्ट फ्रेंड, कोई दिल नहीं तेरा मुंह भी तोड़ जाएगा। वो मेरी वो सैंडल्स की हील्स तो देखो एकदम पेंसिल हील है भाई।
Women. जाते जाते लाइक दबा देना, पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब दबा देना, लॉन्ग वीडियो में सब्सक्राइबर बहुत कम आते हैं और हर एक दिन छोड़ के एक दिन आप चेक कर लिया करोगे लॉन्ग वीडियो आया कि नहीं आया, क्योंकि हम हर एक दिन बाद लॉन्ग वीडियो लेके आ रहे हैं। बीच में एक दिन का गैप, फिर लॉन्ग वीडियो, फिर एक दिन का गैप, फिर लॉन्ग वीडियो।